हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी कंपेनियन। आज वीडियो लेक्चर का टॉपिक फिशर एंड खून रूल। पहले समझते हैं कि कब ये फिशर एंड खून रूल आया, मतलब इसका जरूरत कब लगा। लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन एसाइक्लिक डाइन के लिए चार या चार से कम डबल बॉन्ड तक वुडवर्ड फिशर रूल से हो जाता है, लेकिन कॉन्जुगेटेड डाइन में चार से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो तब फिशर एंड खून रूल से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब वुडवर्ड फिशर रूल से नहीं होगा। अब देखो क्या लिखा है। द वुडवर्ड रूल इज एप्लीकेबल टू कॉन्जुगेटेड एसाइक्लिक डाइन विथ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर डबल बॉन्ड्स। इट फेल्स बियॉन्ड दैट, मतलब चार या चार से ज्यादा जब डबल बॉन्ड होगा तब वुडवर्ड फिशर रूल से हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन मोर देन फोर डबल बॉन्ड फिशर एंड खून रूल इज एप्लीकेबल, मतलब चार से ज्यादा जब डबल बॉन्ड रहेगा कॉन्जुगेटेड डाइन में तब हमको लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए फिशर एंड खून रूल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब चलो देखते हैं फिशर एंड खून रूल का फॉर्मूला। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 114 प्लस 5m प्लस 48 माइनस 1.7n इंटू n माइनस 16.5r एंडो माइनस 10R एक्सो। तो इस फॉर्मूला से फिशर एंड खून रूल समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसके बाद एक एग्जाम्पल से तुम लोगों को समझाऊंगा ताकि आसानी से तुम लोगों को समझ में आए। तो उससे पहले देख लेते हैं कि एम एन ये सब क्या है। एम फॉर्मूला में जो एम है वो है द नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग रेसिड्यू, मतलब अगर उस केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर में एल्किल सब्स्टिट्यूएंट तीन है और रिंग रेसिड्यू दो है तो एम का वैल्यू कितना होगा। एम का वैल्यू 3+2 5 होगा। एन क्या है, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, मतलब कितना डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। आर एंडो क्या है, द नंबर ऑफ रिंग्स याद रखना, ये एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, द नंबर ऑफ रिंग्स के बारे में बोल रहा है, द नंबर ऑफ रिंग्स विथ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। आर एक्सो क्या है, द नंबर ऑफ रिंग्स विथ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं फिशर एंड खून रूल की फॉर्मूला से। कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा, अच्छे से सुनो तो तुम लोग और लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर पाओगे। इस कंपाउंड का नेम क्या है, इस कंपाउंड का नेम ऑल ट्रांस लाइकोपिन। देखो इसमें 11 डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में है तो n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू होगा 11। ठीक है, m क्या है, नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग रेसिड्यू, तो इसका वैल्यू कितना है, 8 है। इस स्ट्रक्चर में m का वैल्यू 8 है तो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट किधर है, इस स्ट्रक्चर में जो 11 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है उसको छोड़कर इधर से एल्किल सब्स्टिट्यूएंट शुरू हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8, ये टोटल एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो टोटल एल्किल सब्स्टिट्यूएंट का नंबर है 8, तो एम का वैल्यू हो गया 8। अब जो है वह आर एंडो का वैल्यू 0 है,
क्योंकि द नंबर ऑफ रिंग्स विथ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, ए इनकम्प्लीट है, ए इनकम्प्लीट है। तो आर एंडो एंड आर एक्सो का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। तो अब फॉर्मूला से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कितना लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या आता है। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 114 प्लस 5 एम, एम का वैल्यू कितना है 8, तो इसलिए इधर 8 पुट किया। उसके बाद एन का वैल्यू, एन का वैल्यू 11 था, 11 इंटू 48 माइनस 1.7 इंटू 11 माइनस 16.5। आर एंडो का वैल्यू जीरो है, इधर आर एक्सो का वैल्यू भी जीरो है, माइनस 10 इंटू जीरो, तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू आएगा 476.30। इस स्ट्रक्चर का, इस केमिकल कंपाउंड का लैम्डा मैक्स का वैल्यू 476.30 है। अगर ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल है तुम्हारे लिए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।